दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद अकरम में। और आज मैं आपको इस तरह के सेंटेंस सिखाऊंगा। वे अपने अपने घर चले गए, वे दोनों अपने अपने काम से प्यार करते हैं, सब ने अपना अपना बैग उठाया वहां से चले गए, अपना अपना अपने अपनी, इस तरह के सेंटेंस। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं रेस्पेक्ट, यानी आज मैं आपको रेस्पेक्टिव का यूज़ सिखाऊंगा। और दोस्तों ये अखबारों में, मैगजीन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला सेंटेंस देखते हैं, वे अपने अपने घर चले गए। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा दे वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव होम्स। तो यहां हमने अपने अपने के लिए क्या लगाया, रेस्पेक्टिव, और कहां लगाया है, होम से पहले, यानी घर से पहले। यहां हिंदी में जिस सबसे पहले अपना अपना लग रहा है, इंग्लिश में उस सबसे पहले लगा देना है, ठीक है। वे दोनों अपने अपने काम से प्यार करते हैं, ये पर्दा इंडेफिनिट है। बोथ ऑफ देम लव their respective works, ठीक है। Both of them love their respective works. सबने अपना अपना बैग उठाया और वहां से चले गए, past indefinite है। All of them picked up their respective bags and went from there, ठीक है दोस्तों। तो ये था respective का use। एक दो sentence और आपको बोलता हूं। सभी पर्यटक अपने अपने देश चले गए। All the tourists went to their respective countries. वे अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ गए। They excelled in their respective fields. तो ये था दोस्तों respective का use. Thank you so much for watching the video.